विधानसभा का चुनावी रण, क्या है विधानसभा रादौर का चुनावी गणित, किसको मिलेगा जनता का साथ, चुनावी मसले में आज होगी रादौर की बात, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। रादौर विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के यमुनानगर जिले में है और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। 2019 में कांग्रेस के बिशन लाल ने 2541 वोटों से जीत दर्ज की थी। भाजपा के कर्ण देव कंबोज दूसरे स्थान पर रहे थे। 2019 के चुनाव में बिशन लाल को 54,087 वोट मिले थे, जबकि कर्णदेव कंबोज को 51,546 वोट मिले थे। 2014 के चुनाव में बीजेपी श्याम सिंह ने कांग्रेस के राजकुमार बुक्का को हराया था। श्याम सिंह को 67,076 जबकि राजकुमार बुक्का को 28,369 वोट मिले थे। इस तरह 2014 के मुकाबले 2019 में जीत का अंतर काफी कम हो गया था। जाट, राजपूत, सैनी और कंबोज समुदायों के बाहुल्य वाली रादौर विधानसभा सीट 2014 के चुनाव से पहले तक इनेलो का गढ़ रही है। ये निर्वाचन क्षेत्र एक आरक्षित सीट थी, लेकिन परिसीमन के बाद 2009 में इसे सामान्य में बदल दिया गया। इस सीट पर 2014 में हुए चुनाव में बीजेपी श्याम सिंह ने कांग्रेस के राजकुमार बुक्का को 38,707 मतों से हराया था। 2019 में INLT के बिशन लाल सैनी ने कांग्रेस के सुरेश कुमार को 4,395 मतों से हराया था। 2005 में इनेलो के ईश्वर सिंह पलाका ने कांग्रेस के लहरी सिंह को 5,263 मतों से हराया था। रादौर के चुनावी रण में अब कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर है। हरियाणा में JJP खत्म होती दिखाई दे रही है। बीजेपी इस सीट को दोबारा से अपने पाले में डालने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज, श्याम सिंह राणा, राहुल राणा समेत कई नेता टिकट की टक्कर में हैं, तो वहीं कांग्रेस में मौजूदा विधायक डॉक्टर बिशन लाल सैनी, कैलाशो सैनी, विक्रम सैनी समेत 29 नेता टिकट की रेस में हैं। 2024 का विधानसभा चुनावी रण दोनों ही पार्टियों के लिए आसान नहीं है। देखना होगा आलाकमान किसको टिकट देता है और जीत किसकी होती है।